हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निहाशीष तिवारी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को धनतेरस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आप सभी के घर पर हमेशा बना रहे, यही कामना हम करते हैं। हम लोग निकल चुके हैं, तीन लोग घर से, और बाकी मम्मी पापा अलग जाएंगे। जो भी पूजा पाठ का सामान रहता है उसको लेने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या खरीदना है, सोचा हुआ है कुछ कुछ, बस जाकर देखते हैं। सुबह का मुहूर्त अच्छा था तो हमने ये वाला मुहूर्त चूज़ किया ताकि हमें भीड़ ना मिले। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। कितने अच्छे से सजाई हुई है ना शॉप, इधर कितने प्यारे तरीके से पूरी ज्वेलरी शॉप है। पार्किंग की तो सबसे ज्यादा समस्या है, इसलिए तो सिटी नहीं जा पाते हम लोग, क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं है। है तो बहुत दूर है, इसलिए न्यू मार्केट से ही लेना पड़ता है जो लेना है, अगर ऐसे गाड़ी से जाए तो। कितने प्यारे से सजा रखी है दुकान, ये सजावट की तो पार्किंग है बहन की। यहाँ तो गाइस चिलचिलाती हुई धूप में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है, स्ट्रीम लेवल वाली। यहाँ से जो शॉप है वो एक नई शॉप इन्होंने खोल ली है, शिफ्ट कर दिया है सजावट वालों ने, तो हम लोग अब वहीं जा रहे हैं। क्या हुआ? अरे मेरे देखा, तुझे ना यहाँ से दबा हुआ है, फिर मैंने वादा के देखा कि अरे वो मुसीब है। देखो उधर जाना है उसको, देखो तो वो भैया बैठेंगे क्या साथ में? अच्छा हम काफी पहले आए थे। सिल्वर की अलग शॉप है, गोल्ड की अलग शॉप है, बताइए। ये सही है, यहाँ तो सिल्वर एंड आर्टिफिशियल रिफ्ट, अच्छा लिखा भी हुआ है, तो भी अपन उतर के चले गए। हाँ। मेरा तो दिल आ गया इनके शोरूम में आकर। क्या सजावट कर रखी है, सही नाम दिया है सजावट। झूमर सब लगे हुए हैं यार, कितना मस्त सजा रखा है। रेड रेड क्यों आ रहा है यहाँ पे सब कुछ? ऊपर रेड है ना। अच्छा सिल्वर के लिए वापस वो वाली शॉप पे जाना पड़ेगा मेरे को। नहीं नहीं, जैसे ब्रेसलेट ब्रेसलेट के लिए यहाँ नहीं मिल पाएगा ना। सो गाइस साथ में बोल रहा बुढ़ापा। सो गाइस मेरा बेबी हो चुका है, आप लोगों को पता है क्या? हाँ, यहाँ पर आए मेरे तो बधाई मिल रही है कि आपका बेबी हो गया, लेकिन बेबी तो अभी यहाँ है। बेबी यहाँ है। डिजाइन्स तो बहुत सुंदर सुंदर हैं। एक चीज़ लेने आए थे लेकिन सोच रहे हैं कि एक चीज़ और ले लें। पसंद आया हमको कलेक्शन। इतने सुबह के टाइम आए तो भी इतनी भीड़ है, देख सकते हैं। हाँ, मुझे दीदी बोल रही थी अभी तो रात के टाइम आते मिलेगी। हाँ, और रात के टाइम आते तो पता नहीं। रात में तो हम लोग 3 बजे तक रुकेंगे आज। हाँ 3 बजे तक शाम को। और एक तो मुहूर्त के हिसाब से भी चल रहा है ना सब कुछ, अभी जो मुहूर्त का तो हम लोग ये वाला चूज कर लिया है। सही टाइम पे आ गए आप लोग। बाजू वाले को तो देख, बाजू वाले की तबीयत खराब लग रही है। लेट सुनी है यार, ये तबीयत खराब हो गई है गाइस। वो फेस ये वाला कान झूठ बताता है, छोटा वाला। हाँ ये झूठ बताता है, इसमें मोटे लगते हैं इंसान। ये तो झूठ बताता है भाई। हमें जो लेना था हमने ले लिया, जिसकी अनबॉक्सिंग हम बहुत जल्दी आपके साथ करके बताएंगे कि हमने क्या लिया हुआ है, और बहुत जल्दी पसंद भी आ गया। जी हाँ, तुरंत ही हमें लगा नहीं था हम जल्दी पसंद कर लेंगे। अभी आपकी शादी हो रही है, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। और बाकी सब
आपका चैनल पता है, डेली देखती हूँ। हेलो, मेरा भी यूट्यूब चैनल है बट अभी ग्रो मैंने किया नहीं है, थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था। कुकिंग चैनल है, कर जाएगा। और सब ठीक है? सब बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं आज अच्छा लगा। मैं आपका पता आपकी भाभी का भी आपका भी देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अभी भोपाल में रहते हैं? भोपाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम कोलार। अच्छा, कोलार। हम लोग ओके दिया जी, बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, आपके व्यूवर्स को भी और आपको भी। और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, बहुत आप हंसी खुशी रहे लाइफ में। थैंक यू। ओके बाय। चिंकी दीदी और चिंकी दीदी के सब्सक्राइबर, उनके फ़ैन, उनकी फैमिली दीदी को कहीं नहीं छोड़ती। हर जगह अपनापन लगता है यार। कितने अच्छे झूमर लग रहे हैं यार। ऐसे लग रहे हैं निकाल के ले जाए अपन इसी का डेकोरेशन इनको। दिख रहा है आपको झूमर? झूमर तो देखिए गाइस, कितने सुंदर झूमर है। तो हमारी शॉपिंग हो गई, अब हम मार्केट के अंदर जाएंगे। हाँ, मेन काम हो गया। सो मैंने ले लिया है जो मुझे लेना था। सो गाइस, इतनी भरी धूप में हम लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं, क्योंकि फिर हमारे पास शाम का जो टाइम, शाम के टाइम तो यहाँ पैर नहीं रख पाओगे, इतनी भीड़ रहेगी। तो भीड़ में तो नहीं आ सकते, भाभी के साथ थोड़ा रिस्की है इसलिए। दिन में आने का बहुत अच्छा क्या, दिन में जो रात में वही 5-6 बजे के बाद निकल नहीं पाओगे। हाँ, वहाँ फंस जाएंगे रात। तो ये देख सकते हैं आप न्यू मार्केट का नज़ारा दिन के टाइम पर। सर मैं सनस्क्रीन लगा के आ जाती, कम से कम काली नहीं होती। हाँ यार, दिवाली का मार्केट घूमने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि धनतेरस के दिन तो स्पेशली सारी दुकानें कितनी सजी हुई रहती है ना। कुछ कुछ पसंद आएगा। गाइस, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं ना कि आपने वो गोल्डन फूल कहाँ से लिए हैं, तो यहाँ देखो पूरा मार्केट लगा हुआ है गोल्डन, गोल्डन के साथ रेड भी है। कितना सुंदर लग रहा है, ये जाली वाला है बताइए, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। छोटे बच्चों के कपड़े सासू को नहीं बनेंगे, इतनी बड़ी सासू ले लो। सोफा कवर देख लो, ले लिया। आखिरी सर, हम तो कुछ चले आएंगे इसके। सर कब से घूम रहा, सुबह से घूम रहा। अरे अरे यार, खतरा खाली कर दिया यार, ये मेरा बहुत सही सही बोलता है। नीले पर्दे के साथ में लाल हम लोग ले रहे हैं सोफा कलर। हमारा घर चमन करते हैं, समोसे खाएंगे। पहले मैं अपन जूस पियेंगे, पहले समोसा खाएंगे फिर जूस पियेंगे। ठंडा गर्म प्यार, ठंडा खाना। भैया मुझे इसका कलर दिखा दो। देखो तो यही भाई, इसका क्लॉथ ना दिल भाग गया है। पता नहीं हमारा नंबर कब आया। आपने सब बीच में सोफा हटा दिया था। ये कलर फाइनल किया है हमने, जो मेरे बुटीक पे है ना सी ग्रीन, वैसा कलर हमने ले जाके यहाँ पर सोच रहे हैं लेने के लिए सोफे पर। जी जी, ऐसी बोल रही थी मैं, ये टाइप का वाली। चार फीट वाला ये देखो, पपीते का नहीं पीते हैं। मेरा तो फेवरेट बनाना शेक हमेशा। तो गाइस, ये हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, अननेसेसरी चिल्ला रहा है। हाँ, मान सकते हैं कि इसने बहुत सारा सामान उठाया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन ने अपने कमरे के लिए डोरमेट तक नहीं दिया ना। अरे मेरी माँ, मेरे वो बिछा दे ना सस्ते पे। दिवाली पे नई चादर बिछाते हैं रूम में, घर में। मेरे पास बहुत सारी चादर है। पर्दे भी अपन को भी तो चाहिए थे, लेती मैं ही ले लेती। मेरा पति भाई बहुत, मेरे जो पति देव है ना, वो थोड़े से कंजूसी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। पति का बहुत खर्चा हो गया भैया, मेरे को देख के फिटनेस की लग रही है। भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे फिट होने की जरूरत नहीं है। देखो, वो फिटनेस का कार्ड दे रहे थे भैया, उनको मैं इतनी अनहेल्दी लग रही थी।
हालत खराब हो गई, इतनी तेज इतनी भयंकर गर्मी है ना, बहुत गर्मी है ये देखो, बहुत गर्मी है। हमारी गाड़ी के पीछे किसी की गाड़ी खड़ी हुई है तो हमारी गाड़ी निकल नहीं पा रही है। सो गाइस, हम जो लेकर आए हैं आप लोगों के साथ में, हम शेयर करने वाले हैं, ये मम्मी को भी दिखाने वाले, सब निकाल निकूल के रखा हुआ है। पहली बार गए हम लोग सजावट पर और अच्छा लगा वहाँ का कलेक्शन हमको, हम आपको दिखाएंगे। हमने भारी सोना खरीदा, भारी सोना, सुंदर अचंभव है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए हम आपको भी दिखा देते हैं, मैंने लिए नथ, इसमें रखो पास से दिखाएंगे उनको। ये देखिए ये गाइस, इसमें आपको रुको, अब आपको फिनिशिंग दिखेगी। ये देखिए दीदी ने ली है गोल्ड की नथ, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, देख सकते हैं। दी दिमाग किसका था? ये इसका दिमाग था। आज के दिन क्या ले क्या ले, मैं सोच रही थी ताशी के लिए कुछ ले ले, फिर इसने बोला कि नहीं दीदी आप नथ ले, नथ ले लो क्योंकि आपके काम आएगी तो आप नथ ले लो। देखो पापा, बहुत अच्छी ना, बहुत सुंदर डिजाइन, बहुत प्यारी लगी। अपन इसमें मस्त मोती वाली लड़ वाली या जैसे भी चेन जो भी अपन चाहेंगे वो लगवा लेंगे। तो अब नहीं तो हमने फिर घर आके सोचा कि अब हम पर्दे भी लेंगे। हमने इसके चक्कर में इसको लिया था, पर इसके चक्कर में पर्दे आएंगे। ये मैंने लिया और रैगजन वगैरह में लेके आई हूँ ऊपर मेरे रूम में डालने के लिए, वो मेरे रूम के लिए भी अभी पर्दे वगैरह लेना है। ये जल्दी जल्दी करने लगा ना तो इस चक्कर में कुछ ले नहीं पाए। हाँ, कुछ ले नहीं पाए तो दीदी को कल फिर से भ्रमण पे निकलना पड़ेगा। डिजाइन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, कैसा लगा आपको ये? आई होप, मुझे तो लग रहा है उनको बहुत पसंद आएगी। और क्या बोला, क्या क्या नहीं आती, खान गरेड़ी, खान खान गड़ेली का मतलब अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि हम तो पहली बार सुने कि क्या होता है। तो गाइस, हमारे यहाँ बताशा बोलते हैं, ये खान गरेड़ी बोल रही है, सबके अलग अलग नाम, वो भी आते हैं, लंबे लंबे रहते हैं क्या, कहाँ से लाया यार तू भी यार चीनू। हमारी सुबह की करामात, इजी वाला काम, इजी। ये ले आओ रख दो और इसी में कलर भर दो। कलर भरना भी गाइस बहुत मेहनत का काम है, देखिए ऐसे पलटा ऐसे करके फिर उसको सेट करना पड़ता है। तो ये रंगोली के लिए आजकल ये आने लगा। हाँ अच्छा, इसको रख दो और फिर धुल भी जाता है। आप इसको कुछ नहीं ऐसे अंधा दो फिर इसमें दूसरे कलर डाल दो। अनोखी अनोखी चीजें लेके आई मैं, इसमें कलर भर दो फिर पलटा के दूसरे कलर भर दो दूसरे दिन। आपको भी दिक्कत नहीं, बनाने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, ये है हमारे दिए जिनको पानी पिलाकर यहाँ पर सुखा दिया गया है थोड़ा सा, ताकि ये तेल थोड़ा सा कम पिए। बड़े वाले दिए भी ये भी वो चालू हो गया उसका। वाह सुबह, वाह वाह यार, है ना, मुझे पता था ऐसा टैलेंट सब में नहीं होता जैसा टैलेंट तेरे अंदर है। बहुत टैलेंटेड है। अच्छा मैं यही सोच रही थी कि एक कमल का फूल इसने नीले कलर का तो भर दिया, एक और कमल का फूल कहाँ है नीले कलर तो गुलाबी लाल तो सब भरते हैं, मैंने कुछ अलग बनाया। अब मेरे पास ब्राउन कलर नहीं था तो मैंने दिए आधे छोड़ दिए। देखो अब इसने क्या किया, इसने बत्ती बना दी और बत्ती बनाने के बाद में दिए को छोड़ दिया ऐसे। मम्मी मेरी रंगोली एक घंटा लगा, कब से मेहनत कर रही हूँ उसमें। हाँ बेटा बहुत बनी बनाई में मेहनत कर रही है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। मम्मी आप इतनी अच्छी रंगोली कोई बना नहीं सकता मेरी। हाँ बेटा, अरे वाह, मैं अभी कल बना के अच्छी रंगोली बताती हूँ, नीचे बिल्कुल चौक डाल के। कितनी नेचुरल लग रही है मम्मी। हाँ बेटा, है ना, बहुत मैंने बता दिया, मैं चाचा तक को बता दिया, मेरे वहां तक बनो, बहुत मेहनत करके आज रंगोली बनाई, देखने जरूर आना। हमारे यहाँ सबको निमंत्रण भी मिल गया है नव रंगोली देखने का, और प्रतियोगिता में एक ही था व्यक्ति जो शामिल था, मेरे भाग कोई प्रतियोगी है भी नहीं, तो
अरे भगवान, अरे जय माता दी, जय माता दी। एक तो हमारे घर के सामने जो घर बन रहा है ना, वो और इरिटेट कर रहा है हमको। ना हम वॉइस ओवर दे पाते हैं, ना हम वीडियो बना पाते हैं। जैसे ही हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसका ये चालू हो जाता है। तो गाइज़, ऐसा है कुछ हमारा आज का दिन, और इसी के साथ में ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा।